विजेता एल्विश यादव पर एक एफआईआर दर्ज होने के बाद रेव पार्टी चर्चाओं में आ गई है। 2021 में इस तरह की रेव पार्टी से ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन को भी पकड़ा गया था। हालांकि बाद में उन्हें निर्दोष पाया गया, लेकिन इस तरह वक्त वक्त पर इन पार्टियों में बड़े नामों के शामिल होने से इनकी चर्चाएं तेज हो गई। वक्त के साथ इनका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जो बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। रेव पार्टियों के इतिहास की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह की पार्टियों का चलन 1980 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि लंदन की रेव पार्टियों ने डांस क्लबों तक को पीछे छोड़ दिया। हालांकि अब तक रेव पार्टियां सिर्फ म्यूजिक और डांस तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इन रेव पार्टियों में कई नए अमेरिकी रेव प्रमोटर जुड़ने लगे, जिनमें से कई करियर अपराधी थे, जिन्होंने इस तरह की पार्टियों को कमाई के नजरिए से देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं भारत में कैसे शुरू हुआ रेव पार्टियों का चलन। अन्य देशों की तरह ये प्रचलन भारत में भी धीरे धीरे फैलने लगा। बता दें, रेव पार्टी का केंद्र गोवा माना जाता है, जहां विदेशी पर्यटकों ने समुद्र के तट को रेव पार्टियों के लिए अपना निशाना बनाया। उसके बाद खुले मैदान में इन पार्टियों को आयोजित किया जाने लगा। बेहद तेज म्यूजिक के शोर और इन पार्टियों में आसानी से उपलब्ध होने वाले नशे के चलते रईस परिवारों के युवाओं को रेव पार्टियों ने अपनी जकड़ में ले लिया था। इसके बाद मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी इन पार्टियों का चलन बढ़ने लगा, जिसने धीरे धीरे छोटे शहरों को भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं रेव पार्टियां कैसे बनी नशे का कारोबार। धीरे धीरे इन रेव पार्टियों में बढ़ती युवाओं की संख्या को देखते हुए ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों की सप्लाई होने लगी और धीरे धीरे ये रेव पार्टियां नशे के कारोबार का ट्रेंडमार्क बनती गई। साथ ही इनके बदनाम होने की एक वजह ये भी है कि रेव पार्टियों की बढ़ती दीवानगी ने इन्हें अन्य देशों में भी प्रचलित करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से दुनिया भर के कई देशों में इस तरह की पार्टियां गुप्त रूप से आयोजित होने लगी। बता दें, रेव पार्टी में हेरोइन, कोकीन, गांजा, पोर्टमाइन, सांप के जहर जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। रही बात सांप के जहर की, तो पार्टियों में इसका चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये कम मात्रा में लिया जाता है, जिससे अलग तरह का नशा चढ़ता है। इससे पहले के जमाने में राजाओं को कम मात्रा में ये पिलाया जाता था, ताकि जब उन्हें कोई सांप काटे तो उसका असर ना हो। हालांकि अब इसे नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। ग्रेट ब्रिटेन से शुरू हुई रेव पार्टियों की दीवानगी अब भारत के कई शहरों के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, जिसका चस्का हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनिया आपके साथ, शुक्रिया।